बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 16 विच इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोस्केल्टन। एंडोस्केल्टन बेसिकली एक ऐसा स्केल्टल सिस्टम है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंज होता है, ठीक है। और ये बना होता है दो चीज़ों का, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। सो बोन एंड कार्टिलेज आर द टू कॉम्पोनेंट्स विच कम्प्राइज द एंडोस्केलेटन। तो इसके अंदर बेसिकली हम कहते हैं कि जो बोन और कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स में आता है। और जहाँ पे बोन और कार्टिलेज के सेल्स होते हैं अरेंज, वहाँ पे बेसिकली लिविंग सेल्स ये धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं खास किस्म की प्रोटीन के मैट्रिक्स में, जिसको कॉलेजन कहते हैं, ठीक है। और बोन्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। तो बोन को अगर आप देखें तो ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। बेसिकली ये जो जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉलेजन फाइबर्स हैं प्रोटीन के, उसके अंदर एक खास किस्म का मिनरल डिपॉजिट होता है, उसको कैल्शियम कहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली एंड फॉस्फेट्स दोनों इसमें डिपोजिशन लेते हैं। और बोन्स का जो हिस्सा है ये आपको ज़्यादातर सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है आर्म्स में, लेग्स में, और पूरे स्केलेटल सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा वो बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसका दो हिस्से बेसिकली एक बोन के अंदर आता है, खास तौर पे जो बड़ी हड्डियाँ उनके अंदर जो आर्म्स और लेग्स में प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर दो हिस्से आते हैं। एक इसका आउटर रीजन होता है जो कि थोड़ा सा डेंस होता है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, जहाँ मसल अटैच होता है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और एक इसका इनर पोर्शन होता है, थोड़ा सा ये लेस हार्ड होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन है, इसको स्पॉन्जी रीजन कहते हैं। और ये लाइट होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई इधर होती है, और ये हाईली पोरस होता है, ठीक है। और इसकी जो कैविटी होती है स्पॉन्जी बोन की, बेसिकली यहाँ पे बोन मैरो या बोन मैरो सेल्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के बोन सेल्स की टाइप्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, यानी बोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ऑस्टियोसाइट्स जो है ये मेच्योर बोन सेल्स हैं जो कि हड्डी का मेजर हिस्सा बनाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिजॉल्विंग सेल है, एक्चुअली ये कार्टिलेज डिजॉल्विंग सेल है जो कि कार्टिलेज को डिजॉल्व करता है और फिर बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन में क्या होता है कि सबसे पहले अर्ली एजेस के अंदर हमारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये इन्वेड करता है और कार्टिलेज को डिसॉल्व करता है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल है ये कार्टिलेज को रिप्लेस करता है, और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मैट्रिक्स से कॉलेजन फाइबर्स एम्बेडेड हो जाता है, और उसके बाद जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है आस्ता आस्ता ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑस्टियोसाइट विच इज़ द ओरिजिनल बोन सेल। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कंपेरेटिव टू बोन, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसका जो लिविंग सेल होता है उसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन का है और कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज का, ठीक है। और इन सेल्स से कुछ इलास्टिक और फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है कॉलेजन, जो कि सराउंड करता है कॉन्ड्रोसाइट्स को। और कार्टिलेज का फंक्शन जो है ये बोन्स की जॉइंट्स को कवर अप करना है, फ्लेक्सिबल पार्ट्स हमारी जिस्म के बनाता है, जैसे कि हमारे नोज़ का जो हिस्सा आगे वाला, ठीक है, पीछे की तरफ तो हड्डी होती है, आगे की जो हमारी सॉफ्ट पोर्शन है, और जो हमारा पिन्ना जो नज़र आता है एक्सटर्नल ईयर्स का, वो बेसिकली कार्टिलेज का बना हुआ है। तो अगर आप बोन और कार्टिलेज की थोड़ी सी कंपेरिजन देखें तो बोन जो है थोड़ा सा रिजिड है, कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्टर है। बोन के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट्स की डिपोजिशन है, कार्टिलेज में ऐसी डिपोजिशन नहीं है। बोन जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि कार्टिलेज जो है वो इन्हीं हड्डियों के एंड्स को कवर अप करता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो बोन्स है उसके अंदर जो कॉलेजन फाइबर है, मैट्रिक्स है, ये बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन है, जबकि कार्टिलेज जो है वो कुछ इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कॉलेजन सिक्रीट करते हैं जो कि सराउंड करता है कॉन्ड्रोसाइट को, ठीक है। तो ये चारों सेल्स जो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल यानी स्टेम सेल वो सेल है जिससे आगे मेच्योर बोन सेल बनता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन कार्टिलेज डिजॉल्विंग सेल है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज वो है जो बॉडी में ज़्यादातर अबंडेंट है, मूवेबल जॉइंट्स के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। और फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये कॉलेजन फाइबर इसमें ज़्यादा एम्बेडेड होता है, ठीक है, बंडल्स होते हैं कॉलेजन फाइबर्स के। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर ऑफ पिना इसमें प्रेजेंट होता है, या फिर इंटरनल
जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, जो स्कल के जॉइंट्स में भी फाइबरस कार्टिलेज जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें बोन और कार्टिलेज का तो इसमें, अच्छा कंपैरिजन में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों आ सकती हैं। तो इसमें फीचर्स जो है वो है कॉलेजन बोन में डेंसली पैक्ड होता है जबकि कार्टिलेज में लूजली पैक्ड होता है। सेल टाइप्स की बात करें तो बोन में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट है। अगर हम बात करें कार्टिलेज की तो उसमें कॉन्ड्रोसाइट है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो है मोस्ट प्रॉब्ली बोनी हिस्से के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्पॉन्जी रीजन के अंदर और कार्टिलेज में नहीं होता। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल डिपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट की जबकि कार्टिलेज में नहीं है। और कवरिंग की बात करें तो जो आउटर कवर होता है बोन्स के ऊपर उसको पेरियोस्टियम कहते हैं जबकि जो कवर कार्टिलेज का आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है जी, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सारा ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, बोन क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, हायलिन कार्टिलेज क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, ये सब शॉर्ट में आता है और ये कंपेरिजन भी शॉर्ट में आता है, जबकि ये जो है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, सो स्केलेटल सिस्टम का बेसिक जो फंक्शन है वो बेसिकली एक हार्ड एंड फ्रेमवर्क है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, फर्म स्ट्रक्चर दे रहा है और फंक्शन मूवमेंट के लिए भी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो फंक्शन है इसमें पांच बेसिकली फंक्शन है, सपोर्ट एंड शेप है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, मिनरल होमियोस्टेसिस एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन है। तो हमें पता है कि जो बोनी स्ट्रक्चर है ये साइट ऑफ मसल अटैचमेंट भी होता है, तो ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे बहुत सारे वाइटल और बहुत सारे फ्रेजाइल डेलिकेट ऑर्गन्स को, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे स्केलेटल मसल्स अटैच हैं जो कि हमारी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि बोन्स के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम वगैरह की डेपोजिशन होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ब्लड और हमारे जो बोन्स है उसके दरमियान जो एक मिनरल होमियोस्टेसिस का मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं। लास्टली हमारा जो बोन है वो रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, बोन मैरो बेसिकली प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। तो ये पांच बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हमारे एंडोस्केलेटन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है जबकि आज हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ा बोन कार्टिलेज वगैरह का, ये सारा ये शॉर्ट में आ रहा है। ठीक है जी, फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का सारा डिटेल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।